आप परिवार की बात करते हैं और जो बीजेपी के लोग उनके घर में भी माँ बहन बेटा बेटी है, सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे। उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से हमसे खुन्नस है, सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है। वो हमसे लड़े, हमें मरवाएं। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग हो। मैं मर्यादा में रह के जीना चाहता हूं। आप सब लोग जो जो लोग अपराधी की कॉपरेट करना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा, मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग अपराधियों को कॉपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कॉपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे, और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइएगा। मैं घूम रहा हूं, आज भी मैं मैडम के क्षेत्र जा रहा हूं, 11 सभा है, उसके बाद मैं बिहार जाऊंगा। आप रेकी करिए बोलते हैं, लेकिन परिवार की चर्चा कभी मत करिए। आप परिवार की बात करते हैं और जो बीजेपी के लोग उनके घर में भी माँ बहन बेटा बेटी है, सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे। उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से हमसे खुन्नस है, सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है। वो हमसे लड़े, हमें मरवाएं। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें, और जो बात कही गई है परिवार को लेकर यह सही नहीं है, मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। झारखंड में हेमंत जी का सरकार बनाना सरकार को यदि तकलीफ दे, झारखंड में झारखंड के अस्तित्व को बचाना कोई राजनीति नहीं है, यदि पप्पू यादव का रहना गलत है तो 1,00,000 बार मरना मैं पसंद करूंगा, 100 करोड़ बार। लेकिन लड़ाई वैचारिक हो, लड़ाई व्यक्तिगत भी हो तो मुझसे हो, परिवार से ना हो, ये मैं आग्रह करूंगा। और गृह मंत्री जी, सुरक्षा आप सबको दीजिए, लेकिन जो ऑडियो आया है, जो चिट्ठी मैं भेज रहा हूं, उसका मूल्यांकन करिए, नहीं तो मैं मानूंगा कि सरकार मुझे और मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है।